तो ये पूरी बॉडी एसएस में है, प्रोटेक्टर शीट जिससे नोबे गर्म नहीं होती है, और डबल नोजल के साथ तेज प्रेशर के साथ होता है। ये ब्रास बर्नर में सबसे हाई कैटेगरी का बना हुआ है, ये भी कंपनी सनफ्लेम का है, ये वही कैटेगरी है, लेकिन प्रेशर पावर इसका फ्लेम पावर 4.5 पीबर इसमें जो एक बर्नर के अंदर प्रेशर फुल तेज़ वाला है। तो ये तीन वाला फुल ब्लैक में, इसमें स्टील में, ग्लास टॉप में, लाइटर में, सादे में, जैसा आपको चाहे। इसके अंदर काफ़ी मॉडल आते हैं। ये जो ट्रे वाला सिस्टम किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ बॉयल होगी वो इस ट्रे के अंदर आएगी। ट्रे को आप निकालना है, वॉश करना है और वापसी लगा देना है इस तरीके से। इसमें ग्रिल का ऑप्शन अलग दिया हुआ है, बैकिंग का ऑप्शन अलग दिया हुआ है, ये सारे सिस्टम अलग अलग दिए हुए। ये होती है प्योर एसएस के अंदर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मुश्ताक भाई, आज हमें क्या दिखा रहे हैं, हम बताएं थोड़ा आपकी शॉप। सर जी, हमारे पास अभी दो तीन प्रोडक्ट और नहीं आई है, इस जिससे कि ज़रूरत है हमारे घर के किचन के अंदर चूल्हों की, और इस पर चूल्हे हैं जैसे 5 नोजल वाले, एक बर्नर में 2 नोजल होते हैं, कंसील वॉल होते हैं, एसएस बॉडी होती है, प्रोटेक्टर शीट के साथ होता है, एसएस नॉन मैग्नेट के साथ। यहाँ देखे गौर करना है कि यहाँ पर मैग्नेट स्टील जो होता है जिसमें रस्ट आ जाता है, रस्ट में ये होता है कि ओवर जो हमारा चूल्हा है जो है ना वो गलने की तरफ आ जाता है, तो ये 6-7 महीने में एक्सपायर हो जाता है। तो ये पूरी बॉडी एसएस में है, प्रोटेक्टर शीट जिससे नोबे गर्म नहीं होती है, और डबल नोजल के साथ तेज प्रेशर के साथ होता है, और इसके अंदर आप आराम से जो ना चिमनी यानी कि छोटा चूल्हा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई गैस की कम ज़्यादा का कोई हिसाब किताब नहीं होता है कि खुदा ना खास्ता आप 2 चला रहे तो तीसरा स्लो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेहतरीन क्वालिटी सनफ्लेम कंपनी का ओरिजिनल में है, वारंटी वाला है और अच्छी क्वालिटी में। इसमें 3 चूल्हे हैं, 3 चूल्हे। इसी में अगर आप आ जाते हो 5 की तरफ, ये 5 वाला है। अब 5 वाले में डिपेंड करता है, कोई कस्टमर कहता है ब्लैक कलर में चाहिए, कोई कहता है सिल्वर कलर में चाहिए। ये ब्रास बर्नर में सबसे हाई कैटेगरी का बना हुआ है, ये भी कंपनी सनफ्लेम का है, ये वही कैटेगरी है, लेकिन प्रेशर पावर इसका फ्लेम पावर 4.5 पीबर इसमें जो एक बर्नर के अंदर प्रेशर फुल तेज़ वाला है। मतलब ये शिकायत नहीं होती कि एक तरफ से रोटी कच्ची बन रही है या एक तरफ से जल रही है, इसमें वो चक्कर नहीं होता। तो फ्लेम पावर तेज़ और कंसील बर्नर और हैवी ड्यूटी ग्रिल, हैवी ड्यूटी स्टील, ऑटो इग्निशन के साथ कम्प्लीटली है। इसी की तरीके से आप आगे की तरफ आते हैं, थोड़ा बता देते हैं कि रेंज भी बता देते हैं, जैसे आपने ये वाला बताया तो। सर इसमें अलग अलग प्राइजेस हैं, ज़ाहिर है चाइना के तो बहुत से आते हैं, लेकिन हमारे जो ये मंगवाए हुए हमने खुद इम्पोर्ट किए और बेहतर क्वालिटी में, जैसे मार्केट में आप चाइना के हॉब लेके तो 10-11-12 की रेंज मिल जाते हैं, लेकिन ये सन फ्लेम का हम जो ज़ाहिर है बेहतर क्वालिटी हमारा एक प्रोडक्ट है, बहुत पुरानी प्रोडक्ट है, तो हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर कस्टमर को चीज़ दें जिनके पैसे ज़ाया ना हो, कम अज़ कम ये 5-7 साल चल जाए। तो चाइना बाहर की नस्बत जो दूसरे जो हॉब बिक रहे हैं वो 10,000-10,500 रुपये, हमारा ये हॉब है 13,500 रुपये का, 1+5 वारंटी के साथ होता ही है, 1 ईयर पार्ट्स एंड 5 ईयर फ्री होम सर्विस गारंटी के साथ होगा ये। अच्छा, इसमें अगर आप आ जाते हैं तो कुकिंग रेंज में आ जाते हैं, तो कुकिंग रेंज इस वक्त हमारे पास इम्पोर्ट अभी बाकी है, अभी कुछ और आइटम आने की हमारे सनफ्लेम के इम्पोर्टेड वाले की। ओवन तो काफ़ी आते हैं मार्केट में, ओवन के अंदर खसूसियत ये होती है कि आपकी कोई चीज़ बॉयल हो गई, मतलब आपने कोई चीज़ रखी और बॉयल हो गई तो वो चीज़ अंदर जाती तो हम निकाल नहीं सकते। तो स्काई फ्लेम के अंदर ये बेहतरीन, ये जो ट्रे वाला सिस्टम किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ बॉयल होगी वो इस ट्रे के अंदर आएगी, ट्रे को आप निकालना है, वॉश करना है और वापसी लगा देना है इस तरीके से। फ्लेम पावर के हिसाब से, बेकिंग के हिसाब से आप देखोगे, अब आप ग्रिल अलग कर सकते हो, बेकिंग अलग कर सकते हो, इसमें ग्रिल का ऑप्शन अलग दिया हुआ है, बेकिंग का ऑप्शन अलग दिया हुआ है, ये सारे सिस्टम अलग अलग दिए हुए। ये होती है प्योर एसएस के अंदर, ये हमारा सी एरिया होता है, वहाँ पर हम ये ज़्यादातर ये रहते, जैसे बेरिया टाउन हो गया, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये हमारा स्काई फ्लेम का माल जाता है। इसमें इसी में तीन वाले में आप ये आ जाते हैं, ये तीन वाला फुल ब्लैक में, इसमें स्टील में, ग्लास टॉप में, लाइटर में, सादे में, जैसा आपको चाहे। इसके अंदर काफ़ी मॉडल आते हैं स्काई फ्लेम का, तो वैसे ही माशाल्लाह प्रोडक्ट भी अच्छी है और मॉडल भी अच्छे हैं और मॉडल भी काफ़ी है। तो इसके अंदर ख़ास बात यह है कि ये लीक नहीं होता है। स्काई फ्लेम की प्रोडक्ट हम तकरीबन 30-35 साल हो गए इस मार्केट के अंदर, तो तकरीबन ये समझ लो कि चल रही है, और इसमें लीकेज का प्रॉब्लम असल चीज़ होती है कुकिंग रेंज के अंदर, लीक होना, लीक होता है, इससे ब्लास्टिंग होती है, वॉल से आग निकलना स्टार्ट हो जाती है,
ग्लास ब्रेक हो जाता है, तो इसके अंदर ये स्काई फ्लेम के अंदर ये होता है कि आपका जो ना ओवन कभी लीक नहीं करेगा, कभी बैकिंग में प्रॉब्लम नहीं करेगा, कभी फ्लेम की प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। सेम वही चीज़ होगा कि अगर आपको ग्रिल बैकिंग करनी है तो आप यहाँ घुमाओगे, ये बैकिंग का हो जाएगा, ये ग्रिल का हो गया, तो दो चूल्हे आप चला सकते हो एक साथ। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बैकिंग करोगे तो ग्रिल नहीं होगी, ग्रिल ना करो तो बैकिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। देखिए ये है बैकिंग का, ये नीचे का बर्नर है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ होता है ये ग्रिल है, ये आप ग्रिल यहाँ का बर्नर है, एक दो तीन ऊपर चूल्हे का। अब सबसे मेन चीज़ है, आपको अगर ग्रिल करनी है तो आप डोर खुला रखोगे, जिससे ये कि इसकी एयर वगैरह ऑयलिंग वगैरह जो धुएँ के ज़रिए निकल जाती है। बैकिंग करते तो आप इसमें गेट बंद कर देते। इसमें भी वही सिस्टम है कि आपने ट्रे निकाला, वॉश किया, वापसी लगा दिया। ये चीज़ें देखनी होती है। मेन जो ओवन के अंदर जो मेन टेक्निकल चीज़ें होती है, ये ट्रे सिस्टम जिससे ओवन गले ना। दूसरा है कि ये फ्लेम पावर, असल इशू हम ओवन लेते इसलिए कि हमारा 100% बैक या 100% फ्लेम आए। अब इसके अंदर ये जो ना कंप्लेन ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता एक जगह से आग आ रही, एक जगह से नहीं आ रही। लीकेज का असल चीज़ ओवन दिखने में होते बहुत अच्छे, लेकिन इसकी एहतियात ना हो तो ये जान वाइज भी होता ही है। देखिए 27 साइज़ 3 बर्नर का स्काई फ्लेम का, इसमें मुख्तलिफ रेट है, इसके मॉडल काफ़ी है। तो ये फ़िलहाल मेरे पास अभी ये आपके सामने जो मॉडल नज़र आ रहा है, ये रिटेल जो इसकी है वो 38,500 है। और इसी का अगर आप 5 बर्नर की तरफ आते हैं, जैसे आप देख रहे बराबर में है, यही चीज़ ब्लैक में, ये आपको 46,500 रिटेल है। इसमें जैसे होता है कि कस्टमर आते हैं तो हम इंशाल्लाह ताला इनको डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं, और वारंटी कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट पार्ट्स होम सर्विस के साथ है। गारंटी भी बता दें, गारंटी 1 साल मुकम्मल पार्ट्स की है और 5 साल मुकम्मल सर्विस की है। सर्विस के देखे एक चीज़ बता दूँ, यह धोखेबाजी बहुत है। सर्विस में ये होता है कि कस्टमर को पूरी तरीके से गाइडेंस देते नहीं देते, मतलब 5 साल के अंदर ये होता है कि बंदा आएगा, विजिट लेता है, बंदा घर पे आके ओके करके चला जाता है। यहाँ ओवन बेच के लोग क्या करते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल फ्री कर देते हैं कि यार हमने दे दिया, वो प्राइवेट से करवा लेते हैं या कोई एक्सवाइजर कहीं ना कहीं से जुगाड़ बांध के कर लेते। लेकिन ये वाइट कंपनी है, सनफ्लेम और स्काई फ्लेम, ये दो कंपनियाँ ऐसी है कि जिसके अंदर आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, इसके अवेलेबल पार्ट्स अवेलेबल है, और इसकी सर्विस सेंटर के अंदर बंदे जो है ना वो आपको 100% 24 आवर्स के अंदर आपका मसला हल करके आपको रिपोर्ट देंगे और हमें रिपोर्ट देगी। अच्छा, ये स्टील में आ जाता है। स्टील के अंदर आप देख सकते हो, इसमें टेक्नोगैस के नाम से होता है, स्काई फ्लेम के नाम से होता है। अच्छा, इसके अंदर होता है ये ग्लास टॉप, ये ग्लास टॉप के अंदर है। और मेन चीज़ इसके अंदर आप इसका ये अंदर का एरिया देखें, अंदर का एरिया इसका थोड़ा बड़ा है। उसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ आपको बनानी है आप इजीली आप बना सकते हो। तामचीरी कोटिंग के अंदर दिया हुआ है, फुल ब्लैक के अंदर है, और इसके अंदर ट्रे नहीं होती। सबसे बड़ा इशू जो मैंने आपको बताया था कि ट्रे का है, इसमें ट्रे नहीं होती, इसमें कोई भी चीज़ आप रखोगे ना वो अंदर चली जाएगी। तो ये चीज़ ज़रा कस्टमर से वो है कि कहीं भी आप देखें तो ये ट्रे वाला मॉडल लीजिए, इससे आपके जो ना ओवन की लाइफ भी बढ़ जाएगी और आपके पैसे भी सेफ होंगे। इसके सर्विस सेंटर है कराची के अंदर, और इसके पार्ट्स अवेलेबल है, इसकी हर चीज़ मिल जाएगी बाय आसानी, वारंटी गारंटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अव्वल तो हम चीज़ ऐसी बनाते हैं कि कस्टमर को परेशानी ना हो और कस्टमर जो ना इससे मुतमईन हो। नॉर्मल चूल्हे यहाँ पर दो है कि आप LPG लेना चाह रहे हो या नेचुरल गैस लेना चाह रहे हो। नेचुरल गैस के हिसाब से अगर आप लेते हो तो नॉर्मली आपको 2200-2500 का सिंगल वाला मिल जाता है, और डबल वाला लेते हो तकरीबन 4,500-5,000-6,000, जैसी जैसी क्वालिटी आप, मेरे पास तो काफ़ी क्वालिटी है तो अलग अलग है। जैसे मेरे को फुल साइज़ का हैवी ड्यूटी में स्टील के अंदर है, ये 7,500 रुपये का, ये 6,500 रुपये का, ये 2500 रुपये का। तो ये सारी कैटेगरी है, मेरे को 5-6 मॉडल और है अलग अलग प्राइजेस के साथ। ये LPG और ये क्या, इससे क्या होता है? देखिए आजकल गैस की बड़ी शॉर्टेज चल रही है, और इस वक्त जो ना हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत खुश है कि मतलब गैस नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर है हम कोशिश करते हैं कि यार किसी को जो है ना अच्छे से अच्छी चीज़ दे और किसी को तकलीफ़ ना हो। मतलब हमें तो LPG भी रखना पड़ता है और गैस वाला भी रखना पड़ता है। LPG इस वक्त सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि गैस नहीं होती हमारे यहाँ,
हमारे मुल्क की ये समय नहीं मिलती है, तो बस बात वही है कि हमें एलपीजी भी रखना पड़ता है और गैस भी रखना पड़ता है। एलपीजी में इसमें क्या मतलब होता है, कैसे पता चलेगा आदमी को जो सामान होगा तो उसका भी बेड़ देते हैं आप? देखिए यहाँ दो चीज़ों को देखना है, यहाँ पर एलपीजी एक होता है कंपनी फिटेड, कंपनी फिटेड में ये होता है कि वो ऑलरेडी चेक किया हुआ होता है, ऑलरेडी चेक किया हुआ एलपीजी का ये होता है कि कभी ब्लास्टिंग का, कभी बर्तन काले करना, कहीं लीकेज का ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और हम जो दुकानदार हमें कहते हैं कि हम आपको एलपीजी के नोजल लगा देते हैं या लगा के देते हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी ओवन, आपका जो चूल्हा है या तो कहीं से लीक करता है, या तो फिर फ्लेम का मसला होता है, या तो फिर कोई ऐसा इशू हो जाता है जिससे आपको ये तकलीफ जवाब देता है। अच्छा, इसमें रेट में कुछ फ़र्क होता है एलपीजी और जो नॉर्मल? मतलब आप इसको 500 प्लस कर दीजिए बस यही है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि कंपनी फिटेड लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम नेचुरल गैस के अंदर हम नोजल लगा के दे तो देते हैं, लेकिन बेचारे कस्टमर जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो फ्लेम या तो आग निकलती है, मतलब बैक फायर मारता है, या फिर बॉल की तरफ से लीक हो जाता है। तो एलपीजी कहीं से मिले बराए मेहरबानी आप कंपनी फिटेड लीजिए, अपनी जान पे रेम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर कोई एलपीजी करके दे देता है, लेकिन परेशान आप हो गए, हमें कुछ भी नहीं, हम तो आपको उठा के दे देंगे, लेकिन कंपनी फिटेड लीजिएगा, इससे आप अपनी लाइफ भी सेव कीजिए और अपनी जो ना चीज़ आपके जो पैसे वो भी सेव कीजिए प्लीज़। देखिए मैं कराची के अंदर, आपने मशहूर है ये अल-फज़ल इलेक्ट्रॉनिक, अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे भाई ये जो इनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने काबिल किया, तो भाई ये सदर में आप कराची के अंदर सदर इलेक्ट्रॉनिक रीगल, वहाँ पर किसी से ही पूछ लो कि अल-फज़ल इलेक्ट्रॉनिक कहाँ है, अपोजिट चर्च है, ब्यूटी हाउस के बिल्कुल अपोजिट चर्च, चर्च के सामने शॉप नंबर 17 है अल-फज़ल इलेक्ट्रॉनिक के नियर आइडियल इलेक्ट्रॉनिक, इसके बिल्कुल साथ ही दुकान है अल-फज़ल, मोहम्मद मुश्ताक नाम है मेरा, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 0345-2717-496, आप रब्ता करके भी आप कर सकते हैं, या फिर आप जो ना इसके अपनी वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं अल-फज़ल की, तो सारी चीज़ें जो है ना वो आप कॉन्टेक्ट कर लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आपको हर चीज़ के बारे में कोई मालूम चाहिए, कोई ऐसी चाहिए तो आप आराम से मालूम कर सकते हो। लेकिन अल-फज़ल कराची वाली अमूमन हमारे कस्टमर, हमारे जो व्यूअर्स हैं, तकरीबन परेशान ये होते हैं कि वो अल-फज़ल, ज़ाहिर है पाकिस्तान में काफ़ी है और भी हमारे भाई अल-फज़ल वाले हैं, तो कराची के अंदर अब्दुल्ला ऑन रोड कराची मेन शॉप नंबर 17 नियर चर्च के बिल्कुल अपोजिट अल-फज़ल इलेक्ट्रॉनिक आइडियल के बराबर में, तो ये चीज़ देख लीजिएगा प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।